अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाने जा रहे हैं हैदराबादी ग्रीन चिकन मसाला, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया है। हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसे मैरिनेट करने से पहले हमें कुछ मसाले हैं उनको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। वो मसाले ये हैं, मैंने आधा मुट्ठी पुदीना लिया है और एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया और ये 6 से 7 हरी मिर्ची ली है मैंने। मेरी मिर्ची फीकी है इसलिए मैंने ज़्यादा ली है, अगर आपकी तेज़ है तो आप कम लीजिए। अब हमने ये जार ले ली है, इसमें इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है। इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी डालूंगी, थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम हमारे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया था इसको ऐड कर देंगे इसमें। ये जो पानी छूटा है ये हमारे हरे मसाले का पानी है। ये हमने कुछ सूखे मसाले ले लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये मैंने रेडीमेड ग्रीन चिकन मसाला लिया है। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते। और ये मैंने 1/2 चम्मच वाइट पेपर लिया है। इन सब मसालों को ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपके पास रेडीमेड मसाला नहीं है तो आप ना ऐड करें। ये मैंने 1/2 कप में से भी 1/2 दही लिया है और 1/2 क्रीम लिया है, इनको ऐड कर देंगे इसमें। ये 1/2 लेमन लिया है मैंने, 1/2 लेमन का जूस ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से हमें मिला लेना है। हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है। हमने जो हमारा मसाला पीसा था, जो कोथमीर पुदीना, उसी का कलर आएगा इसमें। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे चिकन में। तो ये हमने हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 10 से 12 काली मिर्चें, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमें थोड़ा सा सॉटे करना है। ये मसाला हमारा थोड़ा सा भून चुका। ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे इसमें। हमें इसका बिरिस्ता बना लेना है प्याज का। तो ये देखिए हमारा बिरिस्ता बनकर रेडी है बिल्कुल। ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम इसमें ऐड करेंगे। हमने जो हमारा चिकन मैरिनेट किया था उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था। इस स्टेज पर आपको अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और हमारे बिरिस्ते के साथ अच्छे से इसको भून लेना है।
ये देखिए अदरक लहसुन हमारा भुन चुका अच्छे से। अब जो हमने चिकन हमारा मैरिनेट किया था इसको ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से नेचुरली इसका कलर कितना अच्छा आया है, आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो ये जो थोड़ा मसाला हमारा बच चुका था उसमें पानी डालकर हमने उसको भी ऐड कर दिया। इसको हमें फुल फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। हमें हमारी चिकन को तब तक भूनना है जब तक हमारा तेल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है, मतलब हमारा मसाला भुन चुका। इसमें मैं एक गिलास भर के पानी डालूँगी। इसको अच्छे से मिला लेंगे। आपको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाने वाले हैं, ग्रेवी हमारी थिक बनाने वाले हैं हम। इसके लिए एक गिलास पानी सफिशेंट होगा। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। ये देखिए उबाल हमारा आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे हम। इसको मिला लेंगे अच्छे से और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारे चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। कितना अच्छा माशाल्लाह हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। हैदराबादी ग्रीन चिकन मसाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। ये बहुत ही जायकेदार बनकर रेडी होता है। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ, पराठों के साथ या नान के साथ। ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम इसको डिश आउट करके आपको बताते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर, बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए, इतनी थिकनेस चाहिए हमें। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा मैं फ्रेश क्रीम ऊपर से डालूँगी, थोड़ा सा 1 टीस्पून ऐड कर दिया मैंने। इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारी डिश बिल्कुल बनकर रेडी है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। ये मैंने 1 टीस्पून गार्निशिंग के लिए फ्रेश क्रीम डाली है इस पर। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी, जितनी हमारी डिश दिखने में दिख रही है उतनी ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी होता है। तो ये बनकर रेडी हो चुका हमारा हैदराबादी ग्रीन चिकन मसाला। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारी डिश का, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।